देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगातार जुटे हुए, एक तरह से मुहिम वो चला रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार कोलकाता पहुंच रहे हैं, जहां वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात आज दोपहर 2 बजे के करीब होनी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश वो पहुंचेंगे और वहां जाकर अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के नेताओं से भी मुलाकात की थी और यहां पर तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। और आज की जो मुलाकातें होनी है, चाहे वो ममता बनर्जी से हो, चाहे वो अखिलेश यादव से हो, उसमें भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ होंगे। और जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि आप की महत्वाकांक्षा क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो वो यहां पर बात करते हुए साफ कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कितनी बार बोल चुके हैं आपको, आज जब भी मिलते हैं कह देते हैं हमारी कोई नहीं इच्छा है ना कुछ अपने लिए व्यक्तिगत, हम तो पूरे देश के हित में सोच रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है कुछ लोग पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में, हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे और जो इतनी बड़ी आजादी की लड़ाई हुई नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। तब कुछ लोग आजकल है जो सब चीज को बदल देना चाहते हैं, सब इसलिए तो चाहते हैं अलग हुए हैं और हम लोगों ने कह दिया कि नहीं, अब सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे और मिल करके होंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। ममता बनर्जी से कब जा रहे हैं मिलने? सब चीजवा अभी पूछने की क्या जरूरत है, हम सब जब कर लेंगे इसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और सब चीज क्यों पूछ रहे हैं, वो ये भी पत्रकारों से कह रहे हैं। तो ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले राजनीति जो है वहां पर वो गर्माई हुई है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि ममता बनर्जी का रुख क्या रहने वाला है, नेता कौन होगा अगर विपक्षी एकजुट होते हैं, तो कई सारे सवाल हैं। इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कोलकाता आने वाले हैं और कोलकाता आके वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। अब ये मीटिंग का ज़रूरत क्यों हुआ, ये मीटिंग हालांकि एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स के हिस्सा है जहां नीतीश कुमार जो एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता है और ऑपोजिशन ग्रुप के एक वरिष्ठ नेता है, वो ये कोशिश में है कि सारे जो नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टीज है वो एकजुट हो जाए। और इसके पीछे एक खास वजह है, वो ये है कि एक सीट एक उम्मीदवार, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें विपक्ष की तरफ से एक सीट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होना चाहिए ताकि ये लगे कि एक साथ सब लड़ रहे हैं। और इसमें जो राजनीतिक समीकरण होता है, राजनीतिक अरिथमेटिक होता है, वो भी कुछ हद तक ऑपोजिशन के फेवर में आ जाता है क्योंकि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उनका गेम प्लान, उनके जो एजेंडाज है सब सेट है। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से बीजेपी को टक्कर कैसे देना है, इस बात पर अभी भी कंसेंसस नहीं बन पाए हैं। तो नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि एक कंसेंसस बन जाए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए जिसके दौरान सारे जो ऑपोजिशन पार्टी है, विपक्ष दल है, वो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ नारा दे सके और लड़ सके 2024 के चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों में मुस्लिमों को दिए जा रहे आरक्षण को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में साफ नजर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हैदराबाद के पास चेवल्ली में आयोजित विजय संकल्प रैली में कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहां मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री KCR पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि जो तेलंगाना में खत्म होने वाले हैं वो PM बनने का सपना देखते हैं। राज्य सरकार पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार यहां की जनता के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती। अमित शाह के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी भी रहे और उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भारत का नक्शा भी बनाते हैं तो कश्मीर आधा कर देते हैं। लोगों से अपील की अमित शाह ने और कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाइए, हैदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा
और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। हमारे बंडी संजय को केसीआर ने जेल में डाल दिया है। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता जेल में जाने से डरते हैं। केसीआर कान खोल कर सुन लो, यहाँ एक एक कार्यकर्ता आपके अत्याचार और जुर्म सहने से डरता नहीं है। हमारी लड़ाई तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक आपको गद्दी से नीचे नहीं उतार देते। बीआरएस ध्यान बटाने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बना, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहते। भैया केसीआर, तेलंगाना में ही आपका काम तमाम होने वाला है, भारत की कहां बात करते। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखा है, इधर उधर घूमते कि भाई प्रधानमंत्री का बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। अरे तेलंगाना की जनता समझती है प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। 24 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। केसीआर नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों मिशन कर्नाटक पर जुटे हुए हैं। इसके तहत वह आज रामदुर्ग बेलगावी में गन्ना किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। वो गडक में युवाओं से संवाद भी करेंगे और इसके बाद शाम को राहुल गांधी की हंगल में एक जनसभा होगी। इससे पहले उन्होंने कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लोगों का यह अपार विश्वास और जनसमर्थन कर्नाटक में बदलाव की कहानी बयां कर रहा है। आगे राहुल गांधी ने यह भी भविष्यवाणी की कि कर्नाटक में कांग्रेस को 150 सीटें आएंगी और 40% कमीशन वाली बीजेपी को 40 सीटें भी नहीं आने वाली। अब मैंने बसवना जी की सोच पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं और उनमें मैंने बहुत ढूंढा, कोशिश की, प्रयत्न मारे हैं कि उनकी किताब में, उनकी सोच में कहीं 40% कमीशन लेने की बात हो। मैंने उनकी सोच में ढूंढने की कोशिश की कि जनता से लूटो, कहीं भी नहीं मिला। ये लीलू कूड़ा सिक्ले ले तो दोस्त, बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इसमें 150 सीटें आएंगी और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना, उनकी 40 सीटें आने वाली है। मेरे ऊपर बहुत सारे केस लगा रखे हैं बीजेपी के लोगों ने, मुझे पार्लियामेंट हाउस से निकाल दिया, घर ले लिया, बिल्कुल। देखिए बात देखिए, उन्होंने घर छीन लिया मेरा और हजारों लोगों ने कहा, मुझे चिट्ठी लिखी, राहुल जी आप हमारे घर ले में आ गए। अलगाववादी अमृतपाल को गिरफ्तार करने का जो मामला है, अब उस पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। डिब्रूगढ़ ले जाने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके समर्थन में उतर आई है। एसजीपीसी ने कहा कि अमृतपाल और दूसरों पर एनएसए के तहत कार्रवाई गैर जरूरी है। एसजीपीसी ने कहा कि वो अमृतपाल के परिवार को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगेंगे और उसके बाद एसजीपीसी के जो सदस्य हैं उन्होंने अमृतपाल के परिवार से मुलाकात भी की है। अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले जाया गया है जहां पर सेंट्रल जेल में उसे रखा गया है और यहीं पर आगे की पूछताछ उससे की जाएगी। इसी जेल में 9 सहयोगी भी अमृतपाल के रखे गए हैं।
इस पूरे ऑपरेशन में 2-3 पुलिस वाले ही सिर्फ भेजे गए थे। रोडे गांव को घेरा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पंजाब की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और किसी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं होगी। तो डिब्रूगढ़ में सेंट्रल जेल में अमृतपाल को रखा गया है, जहां पर उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। उसके 9 सहयोगी भी यहीं पर हैं और जब से सेंट्रल जेल अमृतपाल को ले जाया गया उसके बाद वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे बढ़ा दिया गया है। वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ के इस सेंट्रल जेल में रखा गया है। कल उनको यहाँ पे लाया गया है और ये जो सेंट्रल जेल है डिब्रूगढ़ का, ये बहुत पुराना है, 1860 में बना हुआ है, ब्रिटिश के ज़माने का जेल है। और इंडिपेंडेंस के पहले इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था और इसके बाद जब असम और उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में जब उग्रवाद बहुत अपनी चरम सीमा पे था, तब यहाँ पे उल्फा और बाकी संगठनों के बहुत बड़े नेताओं को रखा गया है और शायद इसीलिए इस जेल को चुना गया है अमृतपाल सिंह और उनके 9 सहयोगी को रखने के लिए। उनके 9 सहयोगी को पिछले 1 महीने में यहाँ पे लाया गया है पंजाब पुलिस द्वारा और कल अमृतपाल सिंह को लाए। अमृतपाल सिंह को आइसोलेशन में रखा गया है, इसका मतलब है उनके सेल में और कोई नहीं है, किसी के साथ उनकी बातचीत नहीं हो सकती है। और उनके जो 9 सहयोगी यहाँ पे पहले से ही हैं उनके साथ भी उनकी कोई बातचीत या फिर मुलाकात नहीं हुई, ऐसा जेल के सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लगी है। और इस जेल के बारे में अगर कहें तो एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, आप देख सकते हैं जेल के बाहर सिर्फ जेल के स्टाफ ही नहीं है, असम के पुलिस के स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं और असम पुलिस के कमांडोज इस जेल की निगरानी कर रहे हैं बाहर है। और इसके इर्द गिर्द जो आउटर पेरीमीटर है वहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, सीसीटीवी कैमरास के नेटवर्क हैं और उस पर हमेशा स्पेशल ब्रांच के लोग नज़र बनाए हुए हैं। और इस जेल के आसपास का इलाका को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, इसका मतलब है कि इस जेल के आसपास में कोई भी ड्रोन या फिर इस तरह के कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते हैं, उनको ये कमांडोज मार गिराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस जेल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे मेजर कोई जेल ब्रेक नहीं हुआ है। एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कि जो खालिस्तान सिंपथाइजर्स नहीं है, ऐसी कोई इनपुट नहीं है, तो इसलिए शायद असम के इस जेल को चुना गया है अमृतपाल और उनके सहयोगियों को रखने के लिए। और आज यहीं पे ही उनकी इंटरोगेशन शुरू होगी। खबर ये है कि केंद्र सरकार की एजेंसियाँ यहाँ पे आएंगे और इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे आएगी और उनसे पूछताछ होगी कि उनके जो वारिस पंजाब डे का मकसद क्या था, वो क्या करना चाहते थे, उनका फंडिंग सोर्स क्या है। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर उनको पूछताछ की जाएगी कि उन ये जो खबर है या फिर जो इनपुट्स हैं कि उनके साथ पाकिस्तानी हैंडलर्स या फिर दूसरे देशों के हैंडलर्स का भी लिंक है, उसके ऊपर भी उनको इंटरोगेशन किया जाएगा। NSA के अंदर उनको बुक किया गया है, इसके अंदर बहुत सिक्योरिटी इस वक्त है। और सबसे बड़ी बात है जो जेल से जब तो अब आपको हम सीधे रीवा लिए चलते हैं, जहां पर आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। देश पंचायती राज के 30 साल पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के रीवा में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। तो इस वक्त वो रीवा पहुंच गए हैं, वहां पर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको देख रहे हैं, कई परियोजनाएं जो हैं उन पर वो नज़र बनाए हुए हैं और उन्हीं का आज उद्घाटन भी होने जा रहा है। तो जो ये परियोजनाएं उसमें जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की लागत से तैयार 5 जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,11,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी करवाएंगे और साथ ही लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड भी आज प्रधानमंत्री के हाथों ही सौंपे जाएंगे। तो यहां पर पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के रीवा में और मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात भी एक तरह से मिलने जा रही है। और हम जानते हैं कि चुनाव भी इसी साल मध्य प्रदेश में भी होने हैं, ऐसे में सरकार की खास तौर पर उन चुनाव पर भी नजर है और यहाँ पर कई कार्यक्रम जो हैं उसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री का आज केरल के कोच्चि जाने का भी कार्यक्रम है। तो इस वक्त रीवा वो पहुंचे हुए हैं,
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज है और उसके उत्सव मनाए जा रहे हैं और इसी मौके पर प्रधानमंत्री यहाँ पर ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको भी संबोधित करेंगे। तो 17 हजार करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं और इस 17 हजार करोड़ में जल जीवन मिशन परियोजनाएं हैं, उसमें जो जल आपूर्ति से जुड़ी 5 योजनाएं उनका शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा रेल परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों के जीवन को और आसान बनाएगा। तो 2300 करोड़ से ज़्यादा की रेल परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर लाखों लाभार्थी हैं जिन्हें आवास योजना के तहत आज प्रधानमंत्री गृह प्रवेश करवाने वाले हैं। तो वो भी एक अहम इवेंट जो है होने जा रहा है। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड भी सौंपेंगे और इसके अलावा पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए जो एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GM पोर्टल है उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो अब कोविड की बात करते हैं जिसकी बढ़ती रफ्तार कहीं ना कहीं लगातार चिंता पैदा कर रही है। बीते 24 घंटों में 7,178 नए मामले सामने आए जबकि 8 मरीजों की जान गई है। अब हमारे देश में एक्टिव केस जो हैं वो 65,000 के पार पहुंच चुके हैं और रोजाना जो संक्रमण दर है वो 9% से बढ़ गई है। हालांकि ये भी आपको बताते चलें कि 24 घंटे में 9,011 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं देखे जा रहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बने हुए। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे में 948 नए मरीज सामने आए हैं, 2 मरीजों की जान गई है, लेकिन संक्रमण दर जो है वो दिल्ली के लिए लगातार चिंता का सबब बनी हुई है। 25% से ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो बना हुआ है और सक्रिय मामले 5,000 से ज़्यादा हैं। और पिछले 10 दिनों की स्थिति आपको दिखाते हैं एक ग्राफ के जरिए कि किस तरह से कोविड के आंकड़े जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम 14 अप्रैल को देखें तो 11,109 मामले थे, 15 अप्रैल को 10,000 थे, हालांकि 17 और 18 अप्रैल वो दिन थे जब मामले 7,000 के करीब पहुंच गए थे 18 अप्रैल को और थोड़ी राहत महसूस की गई थी, लेकिन उसके बाद से 19 अप्रैल से लगातार 10,000 से ऊपर हम देख रहे हैं कि मामले दर्ज किए जा रहे हैं और 23 अप्रैल तक भी मामले ज़्यादा ही हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि रोज 10,000 मामले आ रहे हैं और अब देश में 65,000 से ज्यादा मामले कोविड के हो चुके हैं। और अब बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर की। सचिन तेंदुलकर आज 50 साल के हो गए हैं। तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया है, लेकिन स्टेडियम में सचिन सचिन के जो नारे गूंजते थे वो आज भी फैंस की यादों में ताज़ा हैं। फैंस की जुबान पर अभी भी सचिन सचिन देखने को मिल जाता है जब भी वो किसी कार्यक्रम में पहुँचते हैं और इन दोनों मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसकी वो मेंटरिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। साथ ही उनका बेटा जो अर्जुन है वो भी बहुत ही शानदार बॉलर के रूप में उभरता हुआ नज़र आ रहा है और इन सब के साथ भारतीय क्रिकेट को मजबूत भविष्य को तैयार करने में सचिन की बहुत बड़ी भूमिका रही है।